पोहरी नगर परिषद क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। प्रदेश महामंत्री रणवीर रावत बतौर मुख्य रूप से पहुंचे। महाविद्यालय प्रांगण में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पूर्व मंत्री सुरेश धाकड़ सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण हुए शामिल। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने हेतु जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आज सोमवार को नगर परिषद क्षेत्र के महाविद्यालय प्रांगण में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ पूर्व राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ द्वारा किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश महामंत्री एवं विकसित भारत यात्रा के प्रदेश प्रभारी रणवीर रावत पहुंचे। इस दौरान शिविर में एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे, जहाँ कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति सहित अन्य गीतों पर शानदार प्रस्तुतियाँ दी। शिविर में पूर्व राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने उपस्थित जनों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। इस मौके पर उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को घरेलू गैस सिलेंडर भी वितरित किए गए तथा विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरित किए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में प्रधानमंत्री मोदी के फोटो के साथ सेल्फी पॉइंट पर उपस्थित जनों द्वारा सेल्फी भी ली गई। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद अध्यक्ष रश्मि नेपाल वर्मा, मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमिनी, SDM शिवदयाल धाकड़, CMO रामेश भार्गव, VRCC शिवचरण लाल बाईयो, मोतीलाल खंगार, BSE भरत सिंह धाकड़ सहित अन्य विभागों के आला अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। और मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त अभियान के तौर पर 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रारंभ हुआ। ये ग्रामीण क्षेत्रों में परस्पर जारी है। उसके साथ ही आज हमारे पोहरी क्षेत्र में दो नगरी क्षेत्र हैं, जिसमें पोहरी और बैराड़ सुबह के समय में पोहरी में है। अभी 11 बजे से और 2:30 बजे तक का समय है, 2 बजे का 2:30 बजे से बैराड़ में है। इसमें अभी रथ क्योंकि आया नहीं है, माननीय मोदी माननीय प्रधानमंत्री महोदय मोदी साहब के जो विकास कार्य और योजनाएं संचालित हैं उनके संबंध में उसमें डिटेल दिखाया जाता है। क्योंकि यहाँ इस शिविर का मूल उद्देश्य जो छूटे हुए पात्र व्यक्ति हैं, जो पात्र हितग्राही हैं, उनको चिन्हित करना और उनको आर्थिक लाभ, उनको जो भी हित लाभ है वो प्रदान करना उद्देश्य है। सभी विभागों की इसमें योजनाएं कवर हैं, उनको हमें चिन्हित करना है। और यदि इसके अलावा भी कोई छूटा हुआ है व्यक्ति तो वो अपना आवेदन दे सकते हैं। हमारे विभागवार काउंटर लगे हुए हैं, विभागीय अधिकारी हैं। यदि किसी विभाग के जो भी कर्मचारी हैं वो लोग अपने काउंटर पर बैठे, किसी व्यक्ति की कोई समस्या है तो आप आवेदन के लिए भटके नहीं, नगर परिषद से ही काउंटर लगा हुआ होगा, वो प्रॉपर उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और ये संबंधित विभाग को फिर देंगे। वैसे विभाग वाले भी काउंटर लगे तो वो लोग भी लेंगे। दूसरा मेरा सभी से अनुरोध है कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य शिविर भी लगा हुआ है।